स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो हमने देखा था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा जो फंक्शन ट्रिगो फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा एंड कौन सा ट्रिगो फंक्शन नेगेटिव होगा, राइट। सो दैट हम लोग जब भी हमारे पास बड़े एंगल्स होंगे तो उसको हम लोग कन्वर्ट करके फिर हम लोग आंसर अगर क्वाड्रेंट वाइज हमें फाइंड करने हैं सो हम लोग कर पाएंगे। ओके, देन हमने देखा था कि फंक्शन जो है वो कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो उस सब की हमने डिस्कशन की थी, राइट। सो वन लास्ट डिस्कशन हमें करनी है विच इज रेंज, डोमेन इन रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, सो जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने पहले बताया था कि अगर हम उसे फंक्शन बोल रहे हैं तो सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो फंक्शन की सारे कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। ओके, और अगर वो फंक्शन है तो ऑब्वियसली उसकी डोमेन इन रेंज जो है वो एग्जिस्ट होगी, राइट। और होगी तो क्या होगी वो अब हमें डिस्कस करना है। ओके, सो छोटी सी बात जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी की थी आप लोगों को याद रखनी है, विच इज कि a इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है cos x एंड b इज इक्वल्स टू sin x, राइट। अब हमें पता है कि अगर आप लोग यूनिट सर्कल ले रहे हो तो a एंड b की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। सो हमारा जो साइन एंड कॉस फंक्शन है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, राइट। इन द सेंस कि आप लोग कह सकते हो कि -1 लेस देन और इक्वल्स टू a, हमें पता है, सो दैट cos x लेस देन और इक्वल्स टू 1। एंड सेम वे में b में -1 लेस देन और इक्वल्स टू sin x लेस देन और इक्वल्स टू 1। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को फंक्शन बोल रहे हैं तो हम उसे y is equals to f of x के फॉर्म में लिख सकते हैं। y is equals to f of x, सपोज मैंने ले लिया f of x की जगह sin, तो y is equals to sin x होगा। और हमें पता है कि sin x जो है वो कहां से कहां के बीच में -1 से 1, right? sin is between -1 to 1, so that हमारा y भी क्या होगा in between -1 to 1। So that यहाँ पे क्या होगा -1 less than or equals to y less than or equals to 1। And y के लिए अगर हमें कोई condition मिल रही है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, हमारी रेंज, राइट। ये चीजें हमने फंक्शन में देखी हुई, राइट, कि y is equals to fx क्या है, फिर फंक्शन क्या है एंड हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ सम फंक्शन, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी फंक्शन में कर ली। So, अब आप लोगों को क्या करना है कि अब आप लोगों ने फाइंड कर लिया कि y is in between -1 to 1, so our range of sine function is what? Close interval -1 to 1, क्योंकि वहां पे इक्वालिटी है। हमने देखा था कि x की वैल्यू जहां पे वैरी करेगी वो हमारा डोमेन एंड y की वैल्यू जहां पे वैरी करेगी वो हमारा रेंज। ओके, सो रेंज क्या हो जाएगी -1 to 1। सेम चीज cos में भी होगी कि y is equals to, suppose हम लोग cos x ले ले हमारा function, right, sin x की जगह, तो cos यहाँ पे भी y कहाँ पे vary करेगा, -1 to 1 for cos x, right, so cos के लिए भी range क्या होगी -1 to 1। And obviously अगर आप लोग sin and cos में domain की बात करोगे तो domain तो हमारा R ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि x can be anything, x जो है वो हम लोग एंगल लेते, तो एंगल तो है कुछ भी वैल्यूज हो सकती है उसकी, राइट। तो वहां पे हमें क्या लेना है, हमारा डोमेन जो है वो क्या हो जाएगा, राइट। तो साइन एंड कॉस फंक्शन के डोमेन एंड रेंज की बात आप लोगों को करनी है। सो डोमेन इज r एंड रेंज इज -1 to 1 बोथ फंक्शन, ओके, साइन एज वेल एज कॉस। ओके, अब एक छोटी सी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे विच इज ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ओके, सो ग्राफ जो है वो नॉर्मली आप लोगों को ऐसा नहीं कि एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे, जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग सिर्फ साइन एंड कॉस के ग्राफ देखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, सो ऑब्वियसली ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो टू एक्सिस होंगे हमारे पास एक्स एंड वाई। ओके, ये हमारा ओरिजिन। अब हमें पता है कि हमारी फाइ की वैल्यू साइन फंक्शन के ग्राफ की बात कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल
then minus 3 pi by 2 and minus 2 pi. Right? And अब ये points पे हमें sine function जो है वो कौन सी values देगा वो पता है तो हम लोग वो points plot कर लेते हैं. So यहाँ पे क्या होगा, 0 पे हमें पता है sine 0 देगा, then sine pi by 2 is 1, then sine pi is again 0, then sine 3 pi by 2 is minus 1 and again sine 2 pi is 0. I hope इतनी values अब तक आप लोगों को याद रह गई होगी कि किस तरह से हमें trigonal function जो है, sine function जो है, वो ये particular points पे value देखा है. हमने starting में ही इसकी discussion कर ली. Same way में अगर आप तो minus pi by 2 पे जा रहे हो तो pi by 2 पे value 1 है तो minus pi by 2 पे क्या होगी, minus 1. हमने देखा था sin of minus x is equals to minus sin x. Okay, so render जब भी negative लोगे तो value जो है वो भी negative हो जाएगी. Okay, 0 पे तो 0 थी. Minus 3 pi by 2 पे plus 1 है, sorry 3 pi by 2 पे plus 1 है तो minus 3 pi by 2 पे क्या हो जाएगी, प्लस 3 pi by 2 पे minus 1 है तो minus 3 pi by 2 पे क्या हो जाएगी, plus 1 and then again 2 pi पे 0. एंड अब इस पॉइंट को हमें एज अ कर्व ज्वाइन करना है. राइट, यहाँ पे आप लोगों को ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं बल्कि कर्व में मिलेगी. ओके, और ये सारी चीजें जैसे जैसे आप लोग कॉनिक्स या शेप्स के बारे में पढ़ोगे, ग्राफ के रिलेटेड ये सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाएगी. ओके, सो यहाँ से हम लोग ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा शेप हम लोगों को मिलेगा. राइट, सेम यहाँ पे भी इस तरह से हम लोग उसको ज्वाइन कर सकते. So, ऐसा कुछ कर्व हमें साइन के ग्राफ में मिलेगा. हमने जो मेन पॉइंट्स लिए उसके बाद इसको ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा. और वो कट ऑब्वियसली आप लोग ऐसे सर्कल देखो तो जैसे जैसे आप लोग पाई बाय 2 पे जाओगे साइन में वैल्यूज बढ़ती जाएगी. हमने देखा था साइन इज इंक्रीजिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, सो ये वैल्यूज जो है वो बढ़ती जाएंगी, फिर साइन इज डिक्रीजिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट तो वापस से डाउन में आएगी. राइट, एंड देन अगेन वो थर्ड एंड थर्ड में इंक्रीज डिक्रीजिंग होगी एंड फोर्थ में वापस से इंक्रीजिंग होगी. और इसीलिए हमने ग्राफ जो है वो कुछ इस शेप का ड्रॉ किया. राइट, सो इजीली आप लोग ये चीज को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ग्राफ हमें इस तरह का मिले. सेम वे में नेगेटिव एंगल्स पे अब वन मोर थिंग कि 2 पाई तक हमने इसीलिए बिकॉज वी नो दैट कि साइन इज 2 पाई पीरियडिक. ओके, 2 पाई के बाद उसकी वैल्यूज पीरियडिक का मतलब क्या वापस से रिपीट होगी. हमने देखा था कि सिर्फ एंगल्स चेंज होंगे वैल्यूज नहीं. ओके, सो 2 पाई के बाद अगेन आप लोग जो भी एंगल लोगे यही कर्व रिपीट होगा. अगेन वो 0 से स्टार्ट होगा, देन 1, देन 0, देन -1 एंड अगेन 0. राइट, सो ये जो कर्व है इतना सा पॉजिटिव वाला वो वापस से 2 पाई से रिपीट होगा 4 पाई तक. राइट, सेम वे में यहाँ से यहाँ तक 0 से -2 पाई देन -2 पाई से अगेन -4 पाई तक कर्व जो है वो रिपीट होगा. और इस तरह का ग्राफ में रिपीटेशन चलता जाएगा ऐसा ही कर्व आप लोगों को मिलेगा जो आप. ओके, सो ये जो है वो आप लोगों का साइन का ग्राफ है जो आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो. सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे आप लोगों को फंक्शन की वैल्यूज ध्यान में रखनी. ओके, एंड देन आप लोगों वैल्यूज क्या मिलेगी, -1. ओके, सो
सो यहाँ पे ये पॉइंट्स मिलेंगे आप लोगों को माइनस पाई पी बी माइनस वन. अगेन थ्री पाई बाई टू पे कॉस इज जीरो, सो थ्री पाई बाई टू एंड माइनस थ्री पाई बाई टू बोथ पे जीरो. एंड अगेन आप लोग टू पाई पे जाओगे तो टू पाई पे आप लोगों को वैल्यू कौन सी मिलेगी, सो पॉजिटिव वन. राइट, वन जीरो से स्टार्ट करेंगे तो पॉजिटिव वन वैल्यू मिलेगी. इसके लिए यूनिट सर्कल भी माइंड में रखें. ओके, सो यहाँ से आप लोग देखोगे तो अगर हम लोग इसको ज्वाइन करें तो कुछ इस तरह का ग्राफ जो है वो हमें वहां पे मिलेगा. राइट, एंड सेम यहां से पाई बाय टू में से देन के माइनस पाई एंड देन टू पाई तक. राइट, कुछ इस तरह का ग्राफ आप लोगों को कॉस फंक्शन में मिलेगा और वो आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये सारे एंगल पे ये पॉइंट्स मिल रहे हैं तो उसको ज्वाइन करोगे तो ये इस तरह का ग्राफ मिलेगा. Also, you know that ki in first quadrant cos is decreasing, right? So 0 से pi by 2 is first quadrant. So function is decreasing. तो इस तरह का graph जो है वो मिलेगा. Second में भी decreasing होगा, third में increasing होगा. तो इस तरह से आप लोग graph के लिए increasing decreasing भी देख सकते हो. Okay? So cos का graph आप लोगों को इस तरह से draw करना है. Okay? Again, cos is also 2 pi periodic. हमें उसका
हर टाइम जरूरत नहीं है, बट
आप लोगों को आस्क होते हैं ये चीजें, राइट। सो आप लोगों को एज अ थियरी दी हुई है, अगर आप लोगों को उस टाइप से नहीं लिखना है तो इस तरह से भी आप लोग उससे लिख सकते हो। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी, बिकॉज इसका यूज हम लोग जब भी 12th में इनवर्स ट्रिको पढ़ेंगे तब बहुत ज्यादा करेंगे। सो अभी से आप लोगों को ये चीजें दिमाग में फीड कर लेनी है, ओके। सो ये हमने बात की रेंज एंड डोमेन ऑफ ट्रिगो फंक्शन, ओके। सो यहाँ पे हमें ट्रिगो फंक्शन के रिलेटेड जितने भी थियोरीज लर्न करनी थी वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 में दिए हुए उसका डिस्कशन करेंगे, ओके।